फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सोलर एक्लिप्स, जिसको हिंदी में हम सूर्य ग्रहण भी कहते हैं। ग्रहण कब पड़ता है? ग्रहण तब पड़ता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब ग्रहण पड़ता है। तो जो सूर्य ग्रहण है, ये इस वीडियो में हम दो तरह का पढ़ेंगे, टोटल सोलर एक्लिप्स जिसको पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और दूसरा है पार्शियल सोलर एक्लिप्स जिसको हम कहते हैं आंशिक सूर्य ग्रहण। तो टोटल सोलर एक्लिप्स क्या होता है? ये तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, और जब हम पृथ्वी से देखते हैं तो चंद्रमा सूर्य को पूर्ण रूप से आच्छादित कर लेता है, पूर्ण रूप से ढक लेता है, उसको कहते हैं हम टोटल सोलर एक्लिप्स या पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण या पार्शियल सोलर एक्लिप्स उसे कहते हैं जब चंद्रमा की परछाई सूर्य के पूरे भाग को ढकने की बजाय किसी एक हिस्से को ही ढकती है, और चंद्रमा सूर्य के केवल कुछ भाग को ही अपनी परछाई में ले पाता है। तो इस ऐसे ग्रहण को कहते हैं हम पार्शियल सोलर एक्लिप्स। सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी पर चंद्रमा की दो परछाई या छाया बनती है, जिनमें से एक को छाया या अंबरा कहते हैं और दूसरी को उपछाया और पेनम्बरा कहते हैं। छाया का जो आकार होता है, अंबरा का जो आकार होता है, पृथ्वी पर पहुंचते समय काफी छोटा हो जाता है। इस छाया के क्षेत्र में खड़े लोगों को ही टोटल सोलर एक्लिप्स दिखाई देता है। वहीं उप छाया का या पेनम्बरा का आकार पृथ्वी पर पहुंचते हुए बड़ा हो जाता है, और इसके क्षेत्र में खड़े लोगों को पार्शियल सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो हम समझ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब चांद के पीछे सूर्य का बिंब कुछ समय के लिए पूरी तरह से ढक जाता है। इस प्रक्रिया को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। थैंक यू।